Hello guys, welcome to your own channel Fox Classes. Let's briefly discuss whatever we have studied in the last class. In the last class we have discussed what is dimension. Dimension refers to the power or the exponents of the fundamental quantity raised to specify a physical quantity. Okay, what are the fundamental quantities? M, L, T, these are the physical quantity. And we can write the dimension by this process. Okay, we have discussed all these things. If you have not seen that lecture, then please go to the description box and click the link. Tell dimension one hala M, L, T. Tara, I am going to square bracket. And after that, we have discussed what is the applications of dimension. There are three applications we have discussed. What are they? First is to convert the unit or system of units of one to another. ता माने कौन? ना सपोज अछि एसआई यूनिट रु सीजीएस को कन्वर्ट करिवा आमे जूल रु अर को कन्वर्ट करि देखिथिले तापर टू चेक द करेक्टनेस एटा ही पठले ओटा एक्सप्रेशन अछि ओटा फिजिकल एक्सप्रेशन अछि ऑफ ए एक्सप्रेशन और ओटा इक्वेशन अछि आमे कथले v इक्वल टू u प्लस at यार हम डायमेंशन बोथ साइड एलएचएस आरएचएस कर के देख थिले दिटा जको ठीक थिला तो चेक करेक्टनेस ऑफ द एक्सप्रेशन हम करेक्टनेस भी चेक कर पिला आ कोन देख थिले टू डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज ओके फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी भितरे कोन रिलेशन अछि हमें डायमेंशन एनालिसिस रूपे हमें ताको बाहर कर पतले ओके एबे देखिबा टू डैश टॉपिक व्हाट इज टू डैश टॉपिक टुडेस टॉपिक इज द एरर ऑफ पढ़िया टाइप्स एंड हाउ टू कैलकुलेट ओके वीडियो टिके लंबा है परे तो पूरा वीडियो टिके पेशेंस रो सहित देखियो ओके ओके बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन लेट्स फर्स्ट चेक व्हाट इज एक्यूरेसी एक्यूरेसी कोन आमे जानि छथि एक्यूरेसी आम कहो ना से पूरा केते एक्यूरेटली मेजरमेंट करू छी केते एक्यूरेटली तार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आसी त माने कोन इट रेफर्स टू द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू अच्छा ट्रू वैल्यू कोन सपोज आमे कहबा गोटे जिंसर एथि मनकर सपोज एटा गोटे लेंथ अछि यार लेंथ केते ना यार लेंथ आमे पूरा एग्जैक्टली मापि छथि कोन 3.026 सेंटीमीटर सपोज कि सपोज जहा भी गोटे यूनिट नेले 3.026 तो याकु जदि आमे जे कोन से गोटे स्लाइड कलर पर मापिबा मेजर करबा त सपोज गोटे पिला रासिला 3.023 आसिला आ गोटे पिला रासिला 3.028 हला ताले आमे कोन कहि परिया कहार मोर एक्यूरेट ओब्वियसली दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मोर एक्यूरेट ताहाले एटा होची बेसी एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस मेजरमेंट वैल्यू ओके तापर देखिया कोन प्रिसिशन व्हाट इज प्रिसिशन बारीकी से हम कोजन बारीकी से देखिबा सूक्ष्म भाव देखिबा तो इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन माने और लिमिट लिमिट भी लिख परिया हमें रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट गोटे एग्जाम्पल नबा से तो बुझे तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन भीतर कौन डिफरेंस अछि सपोज ए सेम जिनसा नबा तो यार लेंथ रे हमें मेजर कर दिया छि तो एक्यूरेट वैल्यू बा ट्रू वैल्यू कोन ना 3.026 एटा हला गोटे मेजर वैल्यू एटा हला गोटे मेजर वैल्यू आ गोटे पिले मेजर कर के तार आंसर कोन बाहरला 3.02 3.02 जानो कर एति बाहर छि आ जानो कर बाहर छि 3.03 ओके आ जानो कर बाहर छि 3.022 आ जानो कर बाहर छि
3.027. ओके या भीतर मोस्ट एक्यूरेट के सब जगह इक्विवेलेंट वैल्यू इक्विवेलेंट हम जे राउंड अप करबा 3.03 बेस करियो 3.022 में पाखा पाखी वैल्यू 3.027 बेस करियो तो सब जगह लगभग इक्विवेलेंट वैल्यू माने पाखा पाखी सेम वैल्यू तो हमें कहि परबा तो आ भीतर मोर प्रिसाइज के कहार बेसी प्रिसाइज अछि तो ऑब्वियसली जे डेसिमल पर तीनटा डिजिट करछि काहे कि हमर डेसिमल पर तीनटा डिजिट अछि तो अकॉर्डिंग टू यार और या भीतर बेसी प्रिसाइज मेजरमेंट कहाँ रही ए ब्लैटर ओके एटा हला कोन एक्यूरेसी और प्रिसिजन भीतर डिफरेंस ओके अच्छा भाई व्हाट इज एरर एरर कोन हमें कॉमनली कहउ छथि एरर माने ऑब्वियसली मिस्टेक दोष त्रुटि तो मनुष्य मात्र के भूल एट तो मनुष्य कथा कोआ ना एटी कोन कहा जी ना एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एरर कथा तो माने आमे जे कोनसी दुनिया रे एमिति कोनोसी एक्सपेरिमेंट नहीं एमिति कोनोसी मेजरमेंट नहीं जोथरे एरर नहीं ओके ताहले जदी सा जदी सबुथरे एरर अछि जदी सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रे किछि ना किछि एरर अछि हेइ पारे 0.0000001 एत्ते कि भी एरर हेइ पारे मे भी हेइ पारे तो एटा हो जे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू गोटे एक्सपेरिमेंटल रो वैल्यू टू जदी एत्ते कि एरर हेछि हम ता कोन कहबे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू तो सेइटा हो जे हमर ट्रू वैल्यू ताले एटा केमिति सर बाहर करा जाए ना याकु हम गोटे एक्सपेरिमेंट को 100 थरो 1000 थरो लक्ष्य थरो तक एक्सपेरिमेंट करछो तार एवरेज वैल्यू जोटा ऑब्वियसली मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू सेटा ही होबो तो ताकु हम ट्रू वैल्यू आबर मानुछो तो ताले एरर कोन द डेविएशन बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजरमेंट वैल्यू आमे गोटे मेजरमेंट करले तो ट्रू वैल्यू टू जति कि डेविएशन होसी जति कि डिफरेंस होसी सेटा होसी तार कोन ऑब्वियसली सेटा होसी तार एरर ओके तो डेफिनेशन कोन हला द डेविएशन और द डेविएशन और द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल देखो एक्सपेरिमेंटल भी कह पारा मेजर भी कह पार ओके ताले एरर कौन हला गोटे हला ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू ओके अच्छा सर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू तो लिखिले ताले ए दिटा काई देले काई कि मोड चिन्ह देले काई आमे गोटे जिंसर मॉडुलस काई नियोती काई कि ना आमे ता पॉजिटिवली देखियो ट्राई करंती सपोज फॉर एग्जांपल गोटे जिन 0.32 जन ट्रू वैल्यू हम गोटे एक्सपेरिमेंट ट्रू वैल्यू हम 0.32 बाहर व्हाट एवर मे बी द यूनिट एबे गोटे पिलार बाहर 0.33 ठीक अच्छे जन बाहर 0.33 बाहर तार मेजर मेजर वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आउ गोटे पिलार बाहर 0.31 है मत गोटे कथ कह या भितर कहार एरर बेसी अच्छे यार बेसी अच्छी ना यार बेसी अच्छी सर आप तो कहले ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कहले या पे एरर कता हला 0.01 ओबियस या पे कता हला माइनस 0.01 तो ताले सर यार तो माइनस रे एरर अछि ना माइनस रे अछि माने बहुत कम 0 टू भी कम अछि यार त माने एरर तो बहुत कम 0 टू भी कम अछि तुम देखि परबो ताले याकु कोन अवार्ड दबा ना कोन करिया तो एटा हे ही परियोनी जे तो ऑब्वियसली या पे जति की मिस्टेक ये जति की मिस्टेक करछि फॉरवर्ड डायरेक्शन हो बा बैकवर्ड डायरेक्शन हो पॉजिटिव डायरेक्शन रहो कि नेगेटिव डायरेक्शन रहो व्हाटएवर मे बी द डायरेक्शन ऑलवेज कोन एरर इज द एरर त्रुटि तो त्रुटि भूल तो भूल भूल ही करछि तो सेथि पई एठी कोन करा गला मॉडुलस दिया गला किंतु मन रखियो जे एटा मे बी पॉजिटिव साइड रहि परे बा नेगेटिव साइड रहि परे ओके बट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव ओके लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर टाइप कौन कौन एरर टाइप कौन कौन फर्स्ट देखिबा गोटे हला कांस्टेंट एरर आफ्टर दैट सिस्टमेटिक एरर आफ्टर दैट रैंडम एरर
least count error tapare gross error okay sabu jaga be briefly discussion kar kar jiba constant error kono obviously constant mane gota same value गोटे एक्यूरेट वैल्यू गोटे एक्जाक्ट वैल्यू गोटे सपोज गोटे एक्सपेरिमेंटल अछि सेठु जते थन हम एक्सपेरिमेंट करले भी एटा होसी 0.22 आसी आगता सब बेले 0.23 आसी नले जते बेले आसी एरर त सबला समान आसी गोटे पर्टिकुलर यूनिट आसी तल त कोन कदा कांस्टेंट एरर त एटा जनरली केमिति हुए ना जनरली एटा होसी फॉल्टी कैलिब्रेशन जो हुए फॉल्टी कैलिब्रेशन कौन सपोज गोटे जिनस को आम एक्सपेरिमेंटल कला बेले गोटे जिनस को मूल अवस्था को आनवर अच्छे तो सही जिन आनी पारे से कौन हम अलवेज से जी भैल्यू आम आनवा कथा से न आईटा पर देख सपोज गोटे थर्मोमीटर रिडिंग हो रूम टेम्परेचर रु आसवा कथ के गोटे एक्सपेरिमेंट कर गोटे टेम्परेचर से 10 डिग्री आमर बढ़ेबार अछि ठीक अछि जदि आमे रूम टेम्परेचर को आनी कि रूम टेम्परेचर जेतिक अछि सेहिटु थर्मोमीटर आमे बढ़ेबा 10 डिग्री ताहाले सिना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलबो जदि आमे ताकु थर्मोमीटर को झाडीबानी कि ताकु नॉर्मल रूम टेम्परेचर को आनीबानी ताल कोन हो एई 10 डिग्री रो जो ऑलवेज एरर ता सबबेले रहइबो ना सेटा हला कांस्टेंट एरर ओके तापर देखिया सिस्टमैटिक एरर माने कोन देखो मु कहिले कि पॉजिटिव साइड बा नेगेटिव साइड तो पॉजिटिव साइड रे हो किमा नेगेटिव साइड रे इट इज ऑलवेज हैपनिंग वन डायरेक्शन इधर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड बुझला पॉजिटिव साइड रे एरर होतो किमा नेगेटिव साइड रे होतो हे हे पॉजिटिव जेथर हम एक्सपेरिमेंट करे या तो पॉजिटिव साइड रे हो या तो नेगेटिव साइड रे हो ठीक अछि तो यार भी चार्टर टाइप अछि कौन कौन फास्ट हला इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन ना ओबियसली इंस्ट्रूमेंट जो एरर थो जो मन गोटे फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट बना तो से जहां भी हमें करवा से सब गोटे साइड रे ही एरर देखे देखिए तो इंस्ट्रूमेंटल एरर सेकंड रोच इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सपोज मत आसुनि टोटल एक्सपेरिमेंट करी तो मुझे एक्सपेरिमेंट करी तो मत जो कनसेप्ट मत आसपुर बारंबार करी तो इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थर्ड आसला पर्सनल एरर पर्सनाल एरर कौन गोटे पिला मद पी आपर एक्सपेरिमेंट कर तो तार कौन हम जहां इच्छा से कर तो पर्सनाल एरर तो पर्सनाल एरर सेमती ना मन कि गोटे कौन मन देह भल नहीं सिकनेस अच्छी तो से जगह पर्सनाल एरर ता पर्सनाली जो एरर टा सी करा पर्सनाल एरर तापर आसला एक्सटर्नाल एक्सटर्नल कॉज कौन सपोज गोटे जगह ह्यूमिडिटी चेंज हो गला प्रेशर चेंज हो गला टेम्परेचर चेंज हो गला केमिस्ट्री बहुत गुड एक्सपेरिमेंट भी चेंज हो जाए तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आम सपोज 29 डिग्री सेंटीग्रेड रे हवा दरकार रूम टेम्परेचर थिला बेले तो सेटा जदि सपोज टेम्परेचर आज बढ़ी जाए 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो सेटी कौन हम ओब्वियसली एक्सपेरिमेंटल रो वैल्यू रो चेंज हो तो एटा हला कौन एक्सटर्नल कॉज तापर रैंडम एरर कौन ना रैंडम एरर एथि हुए जे अटेंटिवनेस रो अभाव जो सपोज गोटे एक्सपेरिमेंट कर अटेंटिवनेस नहीं केते बेले एपोर्ट साइड डायरेक्शन होची केते बेले सपोर्ट साइड डायरेक्शन तो एटा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव ओके मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड रे हे पारे किछ असुविधा नै आ एटा कोन पे हुए अटेंटिवनेस लैक ऑफ अटेंटिवनेस ओके लैक ऑफ अटेंटिवनेस पे रैंडम एरर हुए तापर लिस्ट काउंट एरर कौन ना ओब्वियसली लिस्ट काउंट कौन फर्स्ट जाने लिस्ट काउंट कौन गोटे इंस्ट्रूमेंट रे आमर सबुटु स्मॉलेस्ट डिवीजन जोटा होचे सेटा होचे कौन लिस्ट काउंट सपोज जेंति अछि आमर स्केल स्केल रो कौन ना सबुटु आमे 1 मिलीमीटर पर्यंत मेजर कर परबा त सेटा होचे कौन तार लिस्ट काउंट होचे 1 मिलीमीटर तो एटा हला लिस्ट काउंटर जदि कोनोसी एरर थिबो लिस्ट काउंटर गोटे सपोज आमर स्लाइड कैलिपर हला वर्नियर कैलिपर हला सेथिरे लिस्ट काउंट को हमको मान तार जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल दुटा जाक एक्जाक्टली कोइनसाइड करिया दरकार तो सेथि जदि आमे कोनोसी मिस्टेक कले ताले सेटा हला कोन लिस्ट काउंट एरर ओके ग्रॉस एरर कोन ए भितर जे कोनोसी एरर गुडा मिसिकी जदि दुटा तीनटा एरर मिसिकी जदि जो एरर ता हो सेटा हला ग्रॉस एरर ओके
see how to determine, how to calculate the error. Okay, first the key absolute error. ଏଠି ତିନିଟା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଗେ ଦେଖିବା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ମିନ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ରିଲେଟିଭ୍ ଏରର୍ ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଏରର୍ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ଯେ ଏରର୍ କୁ ଆମର ଗସ୍ଲ କଣ କହିଥିଲେ ଗସ୍ଲ ରେଣ୍ଡମ୍ ଏରର୍ ଗସ୍ଲ ଅଫ୍ ରେଣ୍ଡମ୍ ଏରର୍ defines that the probability of positive error or negative error is same. Okay, the probability of occurrence of positive error and the negative error is same. And we can minimize the error by taking many experiments. Okay, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ତାର ଆଭରେଜ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆମର କଣ ହବ ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ କହିଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ତ ଏଇଠି ଗସ୍ର ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା ତ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ହଉ ରାଣ୍ଡମ୍ ଏରରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମିନିମାଇଜ୍ କରିପାରିବା କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ା ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଏରର୍ ହଉଛି ସେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତ ଏରର୍ ଆମେ ମିନିମାଇଜ୍ କରିପାରିବା କେମିତି ତା ଆଭରେଜ୍ ନେଇକି ସପୋଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଦଶଟା ମନେକର ଦଶଟା ବାରଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ତ ଏ ୱାନ୍ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ମେଜର ଭାଲ୍ୟୁ ଏ ଟୁ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଏ ଥ୍ରୀ ଆସିଲା ଫୋର୍ଥ ଭାଲ୍ୟୁ ଏମିତି ସପୋଜ୍ ଏନ୍ଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି କେତେଟା କରାଯାଇଛି ଏନ୍ଟା ତାହେଲେ ଓଭିୟସ୍ଲି ଏନ୍ ଥର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ମାନେ ଏନ୍ଟା ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ଏ ଥ୍ରୀ ଏମିତି ଡଟ ଡଟ ଏ ଏନ୍ ଏନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ଏ ଏନ୍ ଓକେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆମର ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁ କଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ତ ସପୋଜ୍ ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଏ ବାର୍ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଠିକ ଅଛି ଏ ବାର୍ କଣ ଲେଖିପାରିବି ଏ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଥ୍ରୀ ଡଟ 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 ପ୍ଲସ୍ ଏ ଏମ୍ କଣ କଲି ଆଡିସନ୍ କଲି ଆଭରେଜ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଏନ୍ଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏନ୍ କରିଦେଲି ଦେନ୍ ୟାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ସମେସନ୍ ଓଭର୍ ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଏ ଆଇ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଅର୍ ୟାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯଦି ଆଣିବା ୱାନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଏ ବାର୍ ହେଲା ଆମର କଣ ଏବେ ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲି ଏବେ ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ସବୁଠି ୟୁଜ୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍ କଣ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କଣ ଏରର୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁରେ ଗୋଟିଏ ଏରର୍ କଣ ଅଛି ସପୋଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ଏ ୱାନ୍ ହଉଛି ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ସେମିତି କଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଏ ଏନ୍ ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଏନ୍ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଏ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍ କଣ ନା ଏ ୱାନ୍ ଆକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ଡେଲ୍ଟା ଏ ଠିକ ଅଛି ଡେଲ୍ଟା ଏ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡେଲ୍ଟା ଏ ୱାନ୍ ଡେଲ୍ଟା ୱାନ୍ କଣ ହେଲା ଏ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ବାର୍ ଏ ବାର୍ କଣ ନା ଆମର ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁରୁ ଆମର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍କୁ ଯାହା ଅଛି ତ ମଡ୍ ଲଗେଇଦେଲି ୟା ତ ଟୁ ଏଟା ମାଇନସ୍ କର ୟା ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ କର କି ଟ୍ରୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ କର ବୋଥ୍ ଆର୍ ସେମ୍ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଡେଲ୍ଟା ଏ ଟୁ କରିବା ଏଟା ହେଲା କଣ ଏ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ ବାର୍ ର ମଡ୍ ସେମିତି ଏମିତି ଗଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡେଲ୍ଟା ଏ ଏନ୍ କଣ ହବ ଏ ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ବାର୍ ର ମଡ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଏରର୍ କଣ ହେଲା ନା ଡେଲ୍ଟା ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଏ ଆଇ ଆଇ ଲେଖିଦେଉଛି ଓକେ ହୋୟାର ଆଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଡଟ 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 ଏମ୍ ଓକେ ଏ ଆଇ ମାଇନସ୍ ଏ ବାର୍ କର କି ଏ ବାର୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଆଇ କର
बात बराबर ठीक अच्छे तापर देखिबा मीन एब्सोल्यूट एरर ठीक अच्छे मीन एब्सोल्यूट एरर माने कोन ना हमर एटा हला एब्सोल्यूट एरर प्रति एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पई मेजर्ड वैल्यू टू केते ट्रू वैल्यू डेविएट करची बा डिफरेंस करची एटा हला एब्सोल्यूट एरर तो हम देखिबा गोटे टोटल ओवरऑल एक्सपेरिमेंट रे केते एरर आसी पारे जेमते हम देखिले टोटल गोटे टोटल एक्सपेरिमेंट रे ट्रू वैल्यू कोन आसी पारे सेटा होची कोन सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रो एवरेज ता तो सेमते देखिबा जति कि एरर आसी प्रति एक्सपेरिमेंट बाय छै ना एटा एब्सोल्यूट एरर आसीला तो टोटल रो एरर कोन होबो पूरा टोटल एक्सपेरिमेंट रो एरर कोन होबो ना यार यार एवरेज नै जबा तो डेल्टा ए1 हितले कोन हमर ए बार माइनस ए1 रो मोड सेमते सिमिलरली कोन हितला डेल्टा ए एन इक्वल टू ए माइनस ए एन रो मोड ठीक अछि खाली ए मान कर एवरेज नबा त कोन होबो डेल्टा ए बार मु लिख दउ छी ठीक अछि जोटि मीन लेबे सेटि बार लिखि तबरे डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 डेल्टा ए3 प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय कोन होबो डिवाइडेड बाय एन ओबवियसली एन 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 टैक्स बोलो तो अपन हमें जदि सिंपलीफाई करले 1 बाय एन समेशन ओवर ए आई आई इक्वल टू 1 टू एन हेबेरो सॉरी एटा डेल्टा ए आई ओके नाउ क्लियर डेल्टा ए बार तो अबे एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर कोन हला ना डेल्टा ए बार इक्वल टू 1 बाय एन समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा ए आई एबे गोटे जिनस क्लियर है जे आमर जो एटा हला कोन टोटल एक्सपेरिमेंट रो केते एरर आछि तो एटा ओबवियसली बहुत स्मॉल वैल्यू तो एटा हला कोन आमर ट्रू वैल्यू ठीक अछि तो आमे जे कोनसी गोटे एक्सपेरिमेंट पई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट पई तो आमे ताको इन जनरल कोन लिख परबा एनी एक्सपेरिमेंट पई ए बार माइनस डेल्टा ए बार इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल टू ए बार प्लस डेल्टा ए बार ठीक अछि ए जिन छटा में लिख पर ओके देन देखिबा रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर माने कोन ना गोटे एक्सपेरिमेंट रे हमर सपोज एरर ता केते अधिक अछि बा केते कम अछि रिलेटिवली अदर्स ठीक अछि ताले हम कोन करिया पडो ना मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय कोन ट्रू वैल्यू ओके तो आर डेफिनेशन कोन इट इज द रेशियो बिटवीन द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू ओके मैथमेटिकल जदि करिया कोन हो ना डेल्टा ए इकनो डेल्टा लवा स्मॉल डेल्टा ओके एटा कैपिटल डेल्टा स्मॉल डेल्टा इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर कोन डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार एटा हला कोन हमर रिलेटिव एरर जदि परसेंटेज एरर पचारला परसेंटेज रिलेटिव एरर कौन हम एथे केवल 100 मल्टीप्लाई कर देले हे गला कौन डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार इनटू ओके एटा हे गला परसेंटेज ठीक अछि ओके नाउ सी व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स लेट्स सी फ्रेंड्स व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड वी नो इन द फाइनल रिजल्ट Always it depends upon all the individual measurements. Okay, so obviously there are individual measurements. That's why there are individual errors. So the final result is always depends upon the individual errors also. So there should be some operations means arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division in the errors. Okay, let's see how to calculate the combination of error. First of all, let z is the final result. Okay, z is the final result. Let's take two experimental results. One is the first experimental value, and B is the second experimental value. Okay. So first
in case of addition. In case of addition, what happened? Z will be obviously a plus b. And if we consider all the errors of individual errors of a and individual errors of b, then I can write z plus or minus del z. Del z, what is del z? Del z is nothing but the individual errors of the final result. Okay, the final error. Okay, that is a plus or minus del a and plus b plus or minus del b. Am I right? Okay, now if I evaluate this, z plus or minus del z equals to a, it is b, a plus b only, plus or minus del a plus or minus del b. Okay, now a plus b plus or minus in bracket del a plus del b. Okay, what is this quantity? This quantity is z plus or minus del a plus del b. Okay, now I can cut out z in both sides. So del z is del a plus del b. Okay, what is the conclusion? Conclusion is the del z means the final error, the maximum error. The maximum error is the sum of the individual errors. Okay, the sum of individual errors. Okay, now the second case is subtraction. The subtraction case re kon ho, obviously z equal to a minus b. Okay, now if we consider the errors, then kon ho, z plus or minus del z equal to a plus or minus del a minus b plus or minus del b. Okay, now a minus b plus or minus del a, and here minus is inside, minus plus del b. Okay, now a minus b ta kon amar z, z plus or minus del a minus plus del b. Okay, now in both side z plus or minus z will be cancelled in both side. Okay, now del z kon hola, say del a plus or minus minus plus del b. Ame jodi a bitru chatta case asibo, gota hala del a plus del b, del a minus del b, minus del a plus del b, minus del a minus del b. To maximum error ta kota hobo? To maximum error always del z is, del z max likh dujhu equal to del a plus del b. Okay, ame eta hi maximum no, alga subtraction kol to del a minus del b gota case hobo, kintu seta amar kon hobo, ya tu kom hobo. To ame, so the maximum error in the subtraction is the sum of individual okay. Let's see for the multiplication. Multiplication case kon hobo, z equal to a into b. Okay, tale am jodi dekhiyo kon hobo, aku jodi error ku consider koriba, z plus or minus del z equal to a plus or minus del a whole into b plus or minus del b equal to a into b plus or minus a into delta b plus or minus del a into b, तो b delta a. okay, plus or minus plus or minus, तो plus del a into del b. okay, now a quantity टा इटा तो del a टा बहुत कम, कहेंगे इटा हो जाए absolute error. del a टा हो जाए absolute error of a, b हो जाए absolute error of b. ताले इटा जब तक बोटा small quantity 0.1 into 0.2, ये कौन आहुरे छोटा ही जाऊँ जना 0.02 ही जाऊँ जना, ताले इटा कौन 0.1 और 0.2 बहुत कुछ छोटा ही जाना. तो ये भी गोटे स्मॉल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हेला पर आहुरी छोटा ही होला, तो एही क्वांटिटी को हम कोन करि परबा, नेग्लिजिबल करि परबा. ओके, नाउ z प्लस और माइनस
del z equal to one period. It has a z plus or minus a delta b plus or minus b delta a. Okay. Ever first a b hin of the it is a z am a common no akon ho z common nile 1 plus or minus del z upon z equal to ab epota z jaha ab se to ab common no ab common nile kon ho 1 plus or minus a delta b divided by ab plus or minus b delta a divided by ab. Okay, clear? एबे ए कटि गला एथि बी बी कटि गला त कोन हो आ ए होछि ए बी जहां जेड से तो ए बी आ जेड में काट दे तो 1 प्लस डेल जेड बाय जेड इक्वल 1 प्लस डेल ए प्लस बी डेल बी बाय बी प्लस और माइनस ओके 1 1 बोथ साइड कैंसिल एंड नाउ सो रहला कोन del z upon z equal to del a divided by a plus or minus del b divided by b. Okay, tale eta kon hala eta hoji kota maximum fractional error eta hoji kon fractional error eta hoji individual fractional error tale am jodi maximum fractional error dekhia kon hobo tale maximum eta ko kon kori hobo am plus ta hi noba to del z by z equal to del a by a plus del b by b eta hala kon maximum fractional error tale ar conclusion kon likh pariba the maximum fractional error of the final result will be the sum of the individual fractional errors. Now let's see for the division or quotient. Okay, division na kon to obviously z equal to कौन हो a divided by b. Okay, now considering the error error कौन हो z plus or minus del z equal to a plus or minus del a divided by b plus or minus del b. Okay, now z plus or minus del z will be, now what happened if we common a, taking common a from the numerator, then 1 plus del a by a divided by and taking common b from the denominator, then what happened 1 plus del b upon b. Okay, now z plus or minus del z equal to a by b kon z. Okay, upata kon hoyo 1 plus del a by a jodi mu tala ta ko upur ko nei jibi kon hoyo 1 plus del b by b तो पावर माइनस 1 किसी वाला एटा ऊपर मु नेले माइनस 1 किसी वाला. अच्छा हमें ओटा फार्मूला जानि चंदी जतले 1 प्लस x टू द पावर n थिवो हला ये x इज वेरी 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 लेस देन 1 देन कोन हो एटा इक्विवेलेंट टू 1 प्लस nx फे ताले एटा को यदि एथि पकेबा कोन हिजो z प्लस और माइनस del z इक्वल टू z होल इनटू 1 प्लस डेल ए एटा प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस. ओके 1 डेल ए बाय ए होल इनटू एटा माइनस आ भीतर गला तो 1 माइनस प्लस डेल बी बाय बी. ओके ठीक अछि एबे एबे कोन करबा एथि जेड कॉमन नै जा सेठी भी जेड कॉमन नै छै कोन होछि लिखे जेड कॉमन देले 1 प्लस और माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू एठी z तो कॉमन अछि ऑलरेडी 1 प्लस और माइनस डेल ए बाय ए इनटू 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी. अच्छा z z कैंसिल एबे नाउ एटा जदि मल्टीप्लिकेशन करे कोन हो 1 प्लस और माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इक्वल टू 1 इनटू 1 1 प्लस और माइनस 1 इनटू डेल बी बाय बी. ओके now del a into 1 plus or minus del a into 1 and minus plus del a by a into del b by b and again this one is a very small quantity so it can be neglected. Thik achi
ताहले बचा कुचा एथु कोन बाहरला 1 1 बोथ साइड कैंसिल एब कोन बाहर बाहर कर पेगा रिजल्ट डेल जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू कोन हिजो डेल ए बाय डेल बी प्लस और माइनस सॉरी ए प्लस और माइनस डेल पी बाय बी यदि मैक्सिमम लिखिबा कोन होबो डेल जेड बाय जेड इक्वल टू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी ओके ताले इट कोन लिख परिया आर कंक्लूजन कोन द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर व्हाइल वी आर कंसीडरिंग द डिवीजन ऑफ द एरर मेथड ओके लेट्स सी फॉर द पावर यदि पावर थियो कोन हो ना जेड इक्वल टू सपोज ए टू द पावर एन ओके नाउ कंसीडरिंग द एरर्स जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए टू पावर एते एन ओके जदि एटा को हम कॉमन नवा कोन हो ए टू द पावर ए जदि कॉमन नवा ए टू द पावर एन 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन ओके नाउ कोन कहतिले बे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन तल कोन हो 1 प्लस एनएक्स एनएक्स हैला केते बेले जते बेले एक्स इज वेरी 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 लेस देन 1 त एटा को जदि एठी पकेया कोन हो एठी जेड कॉमन नै छबा जेड होल इनटू 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए टू द पावर एन ए टू द पावर एन कोन जेड जेड होल इनटू 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय सॉरी एन डेल ए बाय ए एटा ए केस टा पके दिली थी तल कोन होला जेड जेड बोथ साइड रु कैंसिल हो गेला 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन डेल ए डिवाइडेड बाय नाउ 1 1 कैंसिल आउट सो कोन रहला डेल जेड अपॉन जेड इक्वल एन टाइम्स डेल ए अपॉन ए तो हम कौन लिख परिया इन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर द फ्रैक्शनल एरर इज एन टाइम्स द इंडिविजुअल एरर्स ओके ए चैप्टर रे एति की एबे नेक्स्ट क्लास रे आमे पूरा टोटल फर्स्ट चैप्टर यूनिट रो डायमेंशन रो आ एरर रो पूरा टोटल क्वेश्चन करिया बेसिक लेवल रो हायर एंट्रेंस गुडा कर कोन कोन पड़ी छि से विषय रे गोटे क्लास करिवा आ डिटेल्स आमे ता विषय प्रॉब्लम्स भी डिस्कशन कर दवा आ एक्स्ट्रा कांसेप्ट कोन कोन अछि शॉर्टकट ट्रिक्स कोन कोन अछि से सब जिंस देखिवा ओके जहां भी डाउट अछि मते कमेंट सेक्शन ने पचारिबो आउ हमर मेल आईडी भी अछि मेल आईडी रे भी तुम मते मेल कर पिबो ओके थैंक यू गाइस हैव अ ग्रेट डे